काम हो गया ना? हाँ, अब इस बकरे के टिक्के और कबाब बनाकर खाएंगे। आ जाओ मेरे बकरे। अरे बकरा कहाँ गया? कहीं उस भूत वाले पेड़ ने तो नहीं चोरी कर लिया? घर जाऊंगा तो बच्चों का शोर होगा, ऐसा करता हूँ इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। पर लोग तो कहते हैं इस पेड़ में भूत है, मेरी बीवी भी तो चुड़ैल जैसी है। हाँ ऐसा करता हूँ इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, भूत क्या बिगाड़ लेगा मेरा। हाँ सामान कहाँ गया मेरा? भूत 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 मेरे घर का सामान। खैर तो है भाई, क्यों रो रहे हो? मेरे घर का सामान गायब हो गया, इसीलिए रो रहा हूँ। अच्छा कहाँ से गायब हो गया? रास्ते में जो भूत वाला पेड़ है ना, मैंने वहाँ कुछ देर आराम किया, जब उठा तो सामान गायब था। मैं भी सरदार के लिए बकरा लेकर जा रहा था, उस पेड़ के नीचे से गुजरा, फिर देखा तो बकरा था ही नहीं। फिर तो इस भूत का कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं किसी लेजेंड बाबा को ले आते हैं, चलो। इस पेड़ में भूत का साया है शू बाबा। तुम टेंशन मत लो, भूत मेरा नाम सुनते ही खुदकुशी कर लेते हैं। फिर तो ये भूत डायरेक्ट कब्र में भाग गया होगा, है ना शू बाबा? तुम दोनों अब जाओ, मैं इस भूत को भगाता हूँ। मुझे भगाने आए हो? अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, आजा 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 ना। फिर कब गए? क्या हुआ चू बाबा, मुंह क्यों छुपा रहे हो और कपड़े कहाँ हैं आपके? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो क्यों छू बाबा? उस भूत ने शायद मेरी इज्जत लूट ली। अफसोस हुआ छू बाबा, चलो हम दूर से पहरा देते हैं, किसी और बंदे की कोई चीज गायब होती है। चलो ये रास्ता किस कुत्ते ने बंद कर दिया है? वो रहा भूत। भूत तो दिखाई नहीं देते, ये चोर लग रहा है, चलो। मेरी इज्जत लूटेगा चोरों के शक्ति कबूर।